नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका अपने चैनल द ऑफिस गाइड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूँ। आज का ट्यूटोरियल जो है वो एक क्विक ट्यूटोरियल है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप प्रेजेंटेशन के दौरान अपने टाइटल को हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा अगर आप किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी पेपर्स पे हाईलाइटर का यूज़ करके करते हैं, तो हम जान सकते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर एक खाली डेटा, जिसे आप देख सकते हैं। ये जो पहली प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने पहले से ऑलरेडी जो एनिमेशन किया हुआ है, मैं आपको एक बार फिर प्रीव्यू दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये हाइड है, मैं इसको अनहाइड करता हूँ। पहले हाइड प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि ये प्रेजेंटेशन जब आप स्लाइड शो दे रहे हैं अपना, तो ये प्रेजेंटेशन के दौरान जो नहीं आएगी। तो एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, जो पहली प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको अभी इंट्रो वीडियो में भी दिखाया है। तो ये एक टेक्स्ट है यूट्यूब से, जो मैंने विकिपीडिया से लिया है। और आप कैसे एक कुछ फैक्ट्स हैं या आपका जो कुछ भी आपको डेटा प्रेजेंट करना है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको शुरू कैसे करें। तो ये एक मैंने एक जो है एक स्लाइड लिया है, स्लाइड नंबर 2 मैं रेफर करूंगा जिसको, और उसके अंदर जो यूट्यूब से मैंने डाटा लिया हुआ है वो एज इट इज़ पड़ा है। इसमें कोई भी एनिमेशन इफेक्ट या जो भी हम बना रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट जो बना रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। और रेक्टेंगल लेने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है कि YouTube जो है एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, तो मैं इसको अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट को हाईलाइट करूंगा। तो जितने पे आपका वो टेक्स्ट आता है, आप उतना बड़ा एक रेक्टेंगल बना दीजिए। अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो रेक्टेंगल है वो भी उसने टेक्स्ट को पूरा कवर कर दिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको शेप आउटलाइन पे जाना है और आपको करना है नो आउटलाइन। और शेप फिल जो भी आपको कलर देना है, जैसे यूजली हाइलाइटर्स होते हैं येलो कलर का, जो टिंट होता है येलो कलर का वो होता है। तो मैं आई विल बी गोइंग विद गोल्ड, मैं गोल्ड कलर के साथ जाऊँगा और मैं इसको कर दूँगा सेंड टू बैक। तो ये जो है हमारा सिंपल सा जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है। अगर आप दोबारा इस बॉक्स को सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये मैं टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो बॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप आ सकते हैं सेलेक्ट में, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है सिलेक्शन पेन, इस पर जाऊँगा मैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे है, क्योंकि हमने किया था राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। तो हम ये यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ एनिमेशन, तो मैं जाऊँगा एनिमेशन के अंदर जाके और यहाँ मैं आके कह दूँगा वाइप एनिमेशन, जो है हम वाइप एनिमेशन दे देंगे इस पर। अब आप देख सकते हैं जो वाइप अभी जो हो रहा है वो डाउन से अप हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट में जाके इसको कर दूँगा फ्रॉम लेफ्ट। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं वो इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहें आपका कोई भी डेटा है, आप वहाँ पर इस तरीके का टेक्स्ट हाईलाइट का एनिमेशन दे सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।